टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज केएल राहुल सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। वो लगातार अपने स्टेटस को अपडेट करते रहते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में टीम इंडिया को मिली करारी हार के बाद उन्होंने ट्वीट करके अपनी टीम के सहयोगी तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा को जन्मदिन की बधाई दी। हालांकि हार के तुरंत बाद उनका ये ट्वीट क्रिकेट प्रेमियों को पसंद नहीं आया। उन्होंने इस ट्वीट के लिए राहुल को काफ़ी खरी खोटी सुना दी। दरअसल इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया 3-1 से पिछड़ कर सीरीज गंवा चुकी है। सीरीज का तीसरा टेस्ट जीतकर भारतीय टीम के ने प्रशंसकों के दिलों में उम्मीद जो जगाई थी वो चौथे टेस्ट में बल्लेबाजों ने एक बार फिर से निराश कर दिया। विराट और अजिंक्य रहाणे के बीच चौथे विकेट के लिए हुई साझेदारी ने जीत की आस बांधी थी, लेकिन इन दोनों के आउट होने के बाद आगे के बल्लेबाजों ने फिर शर्मसार किया और टीम को हरा कर सीरीज गंवानी पड़ी। ईशांत शर्मा के 30वें जन्मदिन पर राहुल ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया, एक बेहद सच्चा विनम्र और शानदार इंसान, टीम में ऐसे ही सीनियर की जरूरत होती है, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राहुल ने इस टीम के अपने वरिष्ठ सहयोगी के जन्मदिन पर ट्वीट किया था, लेकिन टीम इंडिया की हार के कारण बुरी तरह से गुस्साए फैंस को इसकी टाइमिंग पसंद नहीं आई। उन्होंने राहुल की खिंचाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक क्रिकेट प्रेमी ने लिखा, हार्दिक पांड्या की कॉपी है, शर्म करो। एक अन्य क्रिकेट प्रेमी ने ट्वीट किया, इससे अच्छा तो अश्विन है जो कम से कम दोहरी संख्या तक तो पहुंचते हैं। आपको बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट की पहली पारी में राहुल 19 रन बनाकर आउट हुए, जबकि दूसरी पारी में वो खाता भी नहीं खोल पाए। सीरीज में अब तक उन्होंने 4, 13, 8, 10, 23 और 36 रन का स्कोर किया है। राहुल को भारत का उदीयमान युवा बल्लेबाज माना जाता है, लेकिन इस सीरीज में फैंस की अपेक्षा पर वो खरे नहीं उतर पाए। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।